हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का कणाद एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने ओपन डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर आगे चल के करने वाले हैं, कि जो सोच रहे हैं कि हम रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते या हम ओपन या डिस्टेंस लर्निंग से जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यूजीसी की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी हुआ है इसी सिलसिले में, और उस नोटिस में जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने एलैबोरेट आज करने वाली हूँ और एक एक पॉइंट को बढ़िया तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूजीसी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स बिफोर एनरोलिंग इन प्रोग्राम्स ऑफर्ड अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग मोड। यानी कि किसी भी तरीके का अगर आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग मोड में एनरोल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो जो सावधानियां बरतनी हैं उसके रिगार्डिंग ये एक पब्लिक नोटिस यूजीसी की तरफ से जारी हुआ है। तो ये पब्लिक नोटिस है हमारे सामने, इसमें आपको ये बताया गया है कि पूरी तरीके से मना नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग नहीं कर सकते। कुछ कुछ सब्जेक्ट में इन्होंने इसको प्रोहिबिटेड किया है। प्रोहिबिटेड का मतलब कि इसको पूरी तरीके से नकारा है या उन सब्जेक्ट्स को ऑनलाइन लर्निंग से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो सब्जेक्ट्स का भी हम देखेंगे। लेकिन उनके अलावा बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे आप डिस्टेंस लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। तो ये जो रेगुलेशन है ये उन पे लागू होते हैं जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स को क्या करना है, स्टूडेंट्स को कंफर्म करना है रिकॉग्नाइजेशन स्टेटस किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, जिससे वो ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं। तो कैसे रिकॉग्नाइज आप लोग करेंगे, हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो कि ऑनलाइन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है जो कि यूजीसी डीईबी वेबसाइट पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। यूजीसी डीईबी वेबसाइट पर आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें जो डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं, और वो पर्टिकुलर ईयर वाइज ही आपकी होती है और ईयर वाइज चेंज भी हो सकते हैं इंस्टीट्यूट। लेकिन उसमें एडमिशन लेने से पहले आपको कंफर्म करना होगा अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कि वो उस लिस्ट में है या नहीं है। तो यूजीसी तो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और डीईबी है आपका डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, मतलब एक ऐसा ब्यूरो जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट तैयार करता है, और वो होता है आपका ईयर वाइज सेशन के हिसाब से। अब इसमें कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टेटस को, तो सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइजेशन स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये कैसा होगा रिकॉग्नाइजेशन, ईयर वाइज है, ईयर वाइज एकेडमिक सेशन वाइज जो है स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कि वो ऑनलाइन या फिर ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में प्रोग्राम्स को ऑफर कर सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको इस वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट का लिंक आपके सामने दिया गया है deb.ugc.ac.in। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ये वेबसाइट ओपन कर रही हूँ, इससे आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की आपकी एक वेबसाइट है, यूजीसी के अंडर ये आपका आता है, और इसमें ईयर वाइज आपके बताया गया है कि जो आपका एकेडमिक ईयर है 2023-24 का सेशन का, तो ये आपका कब से शुरू होगा और आगे जो ये चलेगा, इसमें कौन कौन से आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा ईयर वाइज रिकॉग्नाइजेशन स्टेटस है, यहाँ पर जाकर आप अपने जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको देख सकते हैं,
ओपन डिस्टेंस लर्निंग का अलग से है, ऑनलाइन लर्निंग का अलग से है। तो यहाँ पर जाकर आप उन इंस्टीट्यूट्स को देख सकते हैं जो भी आपके स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट में आप करना चाहते हैं, या फिर आप किसी स्टेट से बाहर हैं या कंट्री से बाहर रहते हैं लेकिन फिर भी लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी ऐसी काफ़ी सारी अफवाहें हमने सुनी कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अब ऑनलाइन या डिस्टेंस जो लर्निंग है उस मोड पर आप लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें इस तरीके की मनाही कर दी गई है, जिनको प्रोहिबिटेड किया गया है कि आप लोग ऐसे सब्जेक्ट से नहीं कर सकते। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो जिन भी आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से करने का सोच रहे हैं, पहले आप ज़रूर देख लीजिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर कि उन इंस्टीट्यूट्स का, उन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटी जो भी जिसे भी आप करना चाहते हैं उनका नाम लिस्ट में है या नहीं है, यानी कि उस पर्टिकुलर ईयर में, जैसे 2023 से 24 वाला है या आगे चल के आप दूसरे ईयर में किसी में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है। पहले आपको उसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर लिस्ट को देखना है। उन लिस्ट में यदि आपके किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम है तो आप वहाँ से फिर डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको नोटिफिकेशन नोटिस बोर्ड भी दिखाई देगा एडमिशन लेने से पहले, वो आपको रीड करना होगा, और वो आपको जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट है वहाँ पर भी मिल जाएगा, और UGC की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी नोटिस बोर्ड आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। जो आपकी डेट बताई गई है वो 30 सितंबर 2023 है। ऑनलाइन मोड या डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग के थ्रू आप किसी भी तरीके का एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए 30 सितंबर 2023 की डेट जो है ये फाइनल की गई है। ये डिटेल्स आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर चेक करना होगा। ठीक है, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं वो आपको उनकी वेबसाइट पर जाके चेक करनी होगी, तभी आपको पता चलेगा वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोड को ऑफर लर्निंग कोर्स को ऑफर करने के लिए या नहीं। तो इसमें है एप्लीकेशन हो गया, एफिडेविट हो गया, रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूवल हो गया, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो उनकी वेबसाइट पर होनी चाहिए। कुछ ऐसे आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिनको वंचित रखा गया है कि वो नहीं दे सकते किसी भी तरीके का एडमिशन ओपन डिस्टेंस लर्निंग में या ऑनलाइन प्रोग्राम में, तो ये तीन नाम आपके सामने हैं। नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ महाराष्ट्र, लेकिन यहाँ पर इसको वंचित एंड विद होल्ड भी लिखा गया है, मतलब इसको वंचित भी हो सकता है और ये विद होल्ड पे भी अभी रखा गया है कि कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, तो इसका कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर यहाँ से कोई आप लेने का सोच रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग से एडमिशन तो इसको अभी आपको नहीं लेना है। श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश एंड पेरियार यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, तो ये तीन हैं जिनको पूरी तरीके से मना कर दिया गया है कि किसी भी तरीके का एडमिशन ये ODL प्रोग्राम में नहीं दे सकते या नहीं ले सकते। और रेगुलर जैसे कोई भी आगे चल के इन फ्यूचर भी ऑनलाइन लर्निंग से लेना चाहता है या डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन लेना चाहता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उनको कंटिन्यूस UGC DEB की वेबसाइट पर जाकर पहले चेक इन करना है कि उस यूनिवर्सिटी को उस पर्टिकुलर ईयर में रिकॉग्नाइजेशन मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, उसके बिहाफ पे ही आप लोग क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे। बाकी इसमें जो जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको जिनमें आप लोग ODL या ऑनलाइन मोड में एडमिशन नहीं ले सकते, जिनको प्रोहिबिटेड किया गया है, वो ये सब्जेक्ट्स हैं: इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड अदर पैरामेडिकल। तो ये आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस में जाकर जो भी आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। इसमें मैं मेन फोकस करना चाहूँगी योगा वाले स्टूडेंट्स को। योगा
जो है आपका सब्जेक्ट, इसको भी इन्होंने मना किया है। टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट हो गया, तो इसके अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है आप ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड से नहीं कर सकते। इनको परमिशन नहीं की दी गई है, इनको प्रोहिबिटेड किया गया है। इसके अलावा एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम्स जो हैं सारे ही सब्जेक्ट में, यानी कि पीएचडी और एमफिल प्रोग्राम सारे ही सब्जेक्ट से प्रोहिबिटेड किया गया है कि आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग से या ऑनलाइन मोड से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग से पार्ट है। ये सभी ही सब्जेक्ट्स के लिए, ऑल डिसिप्लिन्स थ्रू ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन मोड आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड। बाकी जो कुछ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हैं वो ये प्रोग्राम्स हैं आपके सामने, तो इनको आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपके जो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हैं। तो सारे ही नहीं हैं, कुछ कुछ है इसमें। दूसरा, आप लोगों को सुनिश्चित करनी है सभी एक्टिविटीज़ किसी भी पर्टिकुलर ओडीएल प्रोग्राम को प्रोवाइड करने के लिए कि वो उसके क्षेत्र अधिकार में आता है या नहीं आता, यानी कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जो ओडीएल प्रोग्राम्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको आपको सुनिश्चित करना है। तो कैसे सुनिश्चित करेंगे, यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके क्षेत्र अधिकार के बारे में कैसे पता चलेगा, जो भी उन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के एक्ट में उनको अलॉट किया गया है, ऐसे ही स्टेट यूनिवर्सिटी में भी जो भी अलॉट किया गया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एक्ट में। दूसरा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपके स्टेट एक्ट के अंतर्गत आती है तो अलॉटेड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर एक्ट एंड नो केस बियॉन्ड द टेरिटरी। ऑफरिंग प्रोग्राम्स ओनली थ्रू हेडक्वार्टर्स, तो ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कैसे ऑफर कर सकती है, थ्रू हेडक्वार्टर्स से ही कर सकती हैं एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑफ कैंपस सेंटर्स, जो उनके कैंपस सेंटर्स रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं उनके माध्यम से ही कर सकती है। प्रोग्राम्स नॉट बी ऑफर्ड फ्रॉम लर्नर सपोर्ट सेंटर, यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो किसी भी तरीके का ओडीएल या ऑनलाइन जो लर्निंग प्रोग्राम्स हैं उनको किसी भी लर्नर सपोर्ट सेंटर से ऑफ़र नहीं कर सकती, उसके लिए मना किया गया है। दूसरा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके लिए है कि विद इन इट्स हेडक्वार्टर, यानी कि अपने हेडक्वार्टर से ही वो इस तरीके के कोर्सेज को प्रोवाइड करेगी एंड फ्रॉम थोज ऑफ कैंपस सेंटर्स विच आर अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उन्हीं कैंपस सेंटर्स से वो इन कोर्सेज को करवा सकती हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो ये पर्टिकुलर इनके क्षेत्र अधिकार की बात की गई है जिनको थोड़ा सीमित कर दिया गया है, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए लर्नर सपोर्ट सेंटर्स इनको हटा दिया गया है और वो हेडक्वार्टर से ही कर सकती हैं और रिकॉग्नाइज्ड कैंपस सेंटर से ही कर सकती है। इसी तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटी भी सिर्फ हेडक्वार्टर से और उन कैंपस सेंटर से ही प्रोवाइड कर सकती है उन प्रोग्राम्स को जो भारत सरकार के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। अब ये तो पार्ट है कि प्रोग्राम्स को ऑफ़र करने के लिए, ये आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट फॉर ऑफरिंग ओडीएल एंड ओएल प्रोग्राम्स, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स में जो फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट है उसमें क्या क्या प्रोहिबिटेड किया गया है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल हो, प्राइवेट हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, कैन ऑफर इट्स प्रोग्राम थ्रू फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट फॉर एडमिटिंग लर्निंग, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड, ठीक है, किसी भी तरीके की नहीं कर सकती। नो यूनिवर्सिटी कैन ऑफर इट्स प्रोग्राम थ्रू फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट, मतलब किसी भी तरीके की फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट से नहीं कर सकती। जैसे यूनिवर्सिटीज़ की कोई फ्रेंचाइजी ले ले पर्टिकुलर कोई सेंटर और फिर जो है ऑनलाइन मोड में एडमिशन्स प्रोवाइड करे या कोर्सेज ऑफर करे, तो इस चीज़ के लिए अब पर्टिकुलरली मना कर दिया गया है। ऐसा कोई भी फ्रेंचाइजी वगैरह नहीं ले सकते हैं कोई भी। जो भी आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस होगा वो उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स के माध्यम से ही होगा, ठीक है, इस कोई भी फ्रेंचाइजी वाले जो पार्ट्स हैं उनके द्वारा नहीं होगा। जो लर्नर सपोर्ट सेंटर है
शेल बी एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज डायरेक्टली बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यानी कि अगर कोई लर्नर सपोर्ट सेंटर्स भी प्रोवाइड होते हैं तो वो किसके द्वारा मैनेज किए जाएंगे, उन पर्टिकुलर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा ही मैनेज किए जाएंगे जिनको पर्टिकुलर किसी ईयर में, जैसे 2023-24 का जो आपका एकेडमिक सेशन होगा उसमें जिनको रिकॉग्नाइजेशन मिला है, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के द्वारा, तो वो वही क्या करेंगे, इनको मैनेज करने का काम करेंगे। तो किसी भी तरीके के प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हो गए, कोई भी किसी भी तरीके के प्रोग्राम्स को इनको परमिशन नहीं मिली गई है कि आप क्या करें, किसी भी तरीके का ऐसे ऑनलाइन मोड में कोर्स ऑफर करें। तो ये पर्टिकुलरली जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उन्हीं को ये परमिशन दी गई है कि आप डायरेक्ट हेडक्वार्टर से सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। अब इसमें इक्विवेलेंस की बात की, किसके समकक्ष जो है आपकी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी यदि आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से करते हैं, तो जो आपकी पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली है, जो आपका एकेडमिक सेशन चलते हैं, उनके समकक्ष ही आपका माना जाएगा यदि आप ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग मोड से करते हैं और पर्टिकुलर उसी यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से करते हैं जिसको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट में रिकॉग्नाइज किया गया है उस पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन में, ठीक है, उसके अलावा किसी और से आपको नहीं करना है। अभी कुछ लर्नर्स के लिए है कि जो भी लर्नर एनरोल होते हैं किसी भी प्रोग्राम में, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में, किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, अंडर दीज रेगुलेशन शैल बी एलिजिबल फॉर मोबिलिटी फ्रॉम वन मोड ऑफ लर्निंग टू अनदर मोड ऑफ लर्निंग, यानी कि एक मोड लर्निंग मोड से आप दूसरे लर्निंग मोड में जा सकते हैं पर्टिकुलर जो आपका सेशन होगा उसमें, जैसे कि इसमें बताया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये यही बात कह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हैं पर्टिकुलर जो आपका सेशन चलेगा 2 साल का उसके अंदर अंदर। देन एडमिशन टेकन ड्यूरिंग रिकॉग्नाइजेशन पीरियड, कि किसी भी रिकॉग्नाइजेशन पीरियड में आप एडमिशन लेते हैं, ये इन फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें कई स्टूडेंट्स की ये बात चल रही थी कि जो पहले कर चुके हैं ऑनलाइन मोड से डिस्टेंस मोड से, तो उनकी मान्यता होगी, ठीक है, उनकी मान्यता रद्द नहीं होगी, उनकी मान्यता रहेगी जो पहले कर चुके हैं, और आगे भी जो करते हैं, तो जैसे कि 2023-24 में पर्टिकुलर किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट में आप देखते हैं कि हाँ इन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है कि ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं या ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और आगे चल के इन फ्यूचर उनको नहीं रखा गया है उस लिस्ट में या हटा दिया गया है, किसी दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चांस दिया गया है, तो आपकी जो डिग्री की मान्यता है वो रद्द नहीं होगी, आपके जिस रिकॉग्नाइजेशन पीरियड में आपने एडमिशन लिया गया है वो आगे चल के भी मान्य होगा। तो इस चीज़ से आप लोग थोड़ा बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें जो कहा गया है इससे हमारी जो समझ बन रही है उस चीज़ को मैं आपके सामने रख रही हूँ। फ़िलहाल हमने मेल भी किया हुआ है, लेकिन अगर हमें उस मेल का कोई भी जवाब मिलता है तो उसको भी हम आप लोगों के सामने रखेंगे इस चीज़ को लेके जो है, लेकिन फ़िलहाल जो नोटिस में कहा गया है वो यही कहती है बात कि जो भी रिकॉग्नाइजेशन पीरियड में आपने एडमिशन लिया है या आगे चल के भी लेते हैं, और उसके बाद उस अगले ईयर में अगर उस यूनिवर्सिटी का रिकॉग्नाइजेशन नहीं रहता है, फिर भी आपका जो डिग्री होगी वो मान्य होगी आगे चल के। लर्नर्स एनरोलमेंट फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, कोई भी लर्नर जो है अगर वो किसी भी पार्ट कंट्री के पार्ट से एनरोल करना चाहता है किसी प्रोग्राम में तो वो कर सकता है, ठीक है। बीइंग ऑफर्ड बाय हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय कमीशन फॉर ऑफरिंग प्रोग्राम अंडर ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड, तो एडमिशन ले सकता है। अगर कोई लर्नर्स एनरोलमेंट है तो वो ऑनलाइन मोड में कब ले सकता है, अगर वो कंट्री से बाहर है तो वो ऑनलाइन मोड में
एडमिशन ले सकता है, उस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। बाकी जो पर्टिकुलर जो हमारी कंट्री है भारत में ही किसी पर्टिकुलर स्टेट से है और वो एडमिशन लेना चाहता है किसी दूसरे स्टेट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड में, तो वो ले सकता है। ये दो बातों को इन्होंने अलग अलग किया हुआ है। और इसमें ऑनलाइन मोड में प्लस ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो मोड है, इसमें दोनों में ही अलग अलग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रखा गया है, जो कि आप डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की साइट पर जाकर देख सकते हैं। देखिएगा ये स्टूडेंट कॉर्नर है यहाँ पर, ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। और ईयर वाइज रिकॉग्नाइजेशन जो मिला है इनको, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आई होप ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। किसी भी तरीके के आपके क्वेश्चन हो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। और ये जो जानकारी नोटिस के आधार पर जो हमारी समझ बनी है उसके आधार पर है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ढूंढने की कोशिश करी, न्यूज़ वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो क्लैरिटी बन पाई है नोटिस के माध्यम से, वही बातें मैंने आपके सामने रखी है एक एक पॉइंट को लेके। और फिर भी आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मेल मैंने किया हुआ है और आप लोग भी मेल कर सकते हैं UGC को इस बारे में, अगर आपके कोई किसी भी तरीके के प्रश्न होते हैं तो हो सकता है किसी को भी आंसर उसका मिले, तो जिनको भी मिलता है फिर वो शेयर कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर आंसर्स को। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।